प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। दो रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, उनका मान कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफी विधि। तो आज हम इस वीडियो में सभी विधियों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे सारणी विधि। तो विधियां देख रहे हैं इस तरह से हैं कि सारणी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है और ग्राफी विधि है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणी विधि के बारे में। सारणी विधि में हम कैसे करते हैं, तो सारणी विधि के लिए हमें दो सारणियाँ बनानी होगी। एक समीकरण के लिए एक साड़ी, दूसरे समीकरण के लिए एक साड़ी। इस तरह से हम समीकरण एक के लिए एक साड़ी बनाएंगे और उसमें एक में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y बराबर x माइनस वन। आप समीकरण एक को y का मान x के पदों में निकाल करके लिखेंगे। इसके बाद अब आप x के स्थान पर जीरो रखेंगे। तो जब जीरो रखें, देखें यहाँ जीरो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक। इसी तरह से x स्थान पर एक रखेंगे तो आ जाएगा जीरो। इसी तरह से x के स्थान पर दो रखेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा। और इसी तरह से आप मान रखते चले जाएंगे, तीन रखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन माइनस एक दो हो जाएगा। और अगर x के स्थान पर चार रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चार माइनस एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और इसी तरह से पाँच रखेंगे तो पाँच रखेंगे तो चार होगा, छः रखेंगे तो पाँच हो जाएगा। और सेम इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी हल कर लेंगे। दूसरा समीकरण आपका है कि तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर दस। तो यहाँ पर आपको इसको, इस समीकरण को y के पदों में लिखना है। इस समीकरण को आपको y का मान x के पदों में निकाल लेना है। तो आप लिखेंगे कि y बराबर ये हो जाएगा दस माइनस तीन एक्स बटे चार हो जाएगा। तो ये श्रेणी में एक साड़ी में लिख देंगे x और दूसरे साड़ी में लिख देंगे 10 माइनस तीन एक्स। इस तरह से लिख करके सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा और 10 बटा चार हो जाएगा। आप इसको 10 बटा चार लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम एक रखेंगे तो देखिए 10 में से तीन एक के तीन सात आ जाएगा, यहाँ पर सात बटा चार हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर दो रखेंगे, देखिए हो गया कितना, ये तीन दूनी छः हो गया, दस में से छः घटाएंगे आ जाएगा चार, चार बटा चार बराबर एक आ जाएगा। अब आपको आगे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको अपना रिजल्ट मिल गया। क्योंकि देख रहे हैं इस समीकरण में एक्स का मान दो और एक है और देखिए यहाँ पर भी एक्स का मान दो और एक आ गया। तो इस तरह से आपको अब मालूम हो गया कि एक्स बराबर आ गया दो और y बराबर एक आ गया, आपने समीकरण को हल कर लिया। अब इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए आप लिखेंगे समीकरण को कि x माइनस वाई बराबर एक और दूसरा समीकरण है तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर दस है। तो आपको y का मान निकाल लें चाहे x का मान निकाल लें। अगर y का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस वन। तो यही मान उठा करके समीकरण दो में रख देंगे, ये हो जाएगा तीन एक्स और यहाँ पर प्लस हो गया चार और y के स्थान पर लिख देंगे x माइनस वन और ये हो गया बराबर हो गया दस। इसको हल करेंगे तो देखिए हो गया तीन एक्स और प्लस हो जाएगा चार एक्स माइनस आ गया चार बराबर दस हो गया। इस तरह से इसको हल कर दें तो आ जाएगा चार तीन सात हो जाएंगे, सात एक्स माइनस माइनस चार को बराबर के उस पार कर देंगे, बराबर के उधर कर देंगे तो हो जाएगा चौदह। अब इसके बाद एक्स बराबर आ जाएगा, आपको आप निकाल लेंगे आ जाएगा चौदह बटा सात। एक्स का मान दो आ गया, जब एक्स का मान दो आ गया तो आप वाई का मान निकाल लेंगे। तो क्योंकि आपको वाई बराबर मालूम है एक्स माइनस वन, तो आप लिख देंगे वाई बराबर दो माइनस एक। इस तरह से वाई बराबर आ गया एक। आशा करते हैं कि
विस्थापन विधि आपको बड़े ही सरल ढंग से समझ में आ गया है। इसके बाद हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। आपको मालूम है कि एक्स माइनस वाई बराबर एक और दूसरा समीकरण है 3x + 4y = 10 है, तब इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है एक्स और यहाँ पर देखिए 4y है और यहाँ पर देख रहे हैं केवल y है। तो इस तरह से आप जिस राशि को विलोपित करेंगे उस राशि को आपको उनके गुणांकों को बराबर करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको x को विलोपित करना है, तो इसमें आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर y को विलोपित करना चाहेंगे तो इसमें 4 का गुणा करना होगा। आप चाहे जिसको भी गुणा करके विलोपित कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण एक में 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x - 3y और ये बराबर हो जाएगा 3। और दूसरा इसको लिख देंगे समीकरण, हम इसको चलिए 3 लिख देते हैं। और दूसरा समीकरण देखिए है 3x + 4y और बराबर है यहाँ पर देखिए 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इसके बाद अब दोनों समीकरण को आप 3x - 3y = 3 हो गया, ये हो गया 3x + 4y और बराबर यहाँ पर आ गया 10 हो गया। इसके बाद आपको इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। तो ये 3, अब इसको आप करेंगे यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे घटाने लिख देंगे इसको घटाने पर, जब घटाने पर हो जाए तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ देखिए दोनों जुड़ गए तो आ गया कितना, यहाँ आ गया -7y और यहाँ पर देखिए एक माइनस है एक प्लस है तो आ जाएगा -7। इस तरह से y का मान आ गया -7/7 -7 तो बराबर आ गया 1। y का मान 1 आ गया। अब y का मान 1 आ गया, इसको आप किसी समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में रख देंगे। तो चलिए हम इसको रख देते हैं x - y = 1 पहले समीकरण में रख देते हैं। तो x के स्थान पर आप x लिखेंगे और y के स्थान पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1। और इसके बाद ये हो गया x = 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 2 आ गया। इस तरह से आपको विलोपन विधि से इसको कर लेना है। आशा करते हैं विलोपन विधि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम करेंगे वज्रगुणन विधि और ग्राफी विधि। वज्रगुणन विधि से करने के लिए हमें करना क्या है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। वज्रगुणन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए समीकरण आपका यही है कि x - y = 1 और दूसरा समीकरण है 3x + 4y = 10 है। तो अब आपको इसको हल करना है तो आपको देखिए इस तरह से लिखना है। आप लिखेंगे यहाँ पर x, इसके नीचे ऐसे बटे लगाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे -y, इसके नीचे भी बटे लगाएंगे, फिर बराबर लगा करके 1 लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 1। अब इसके बाद जब आप लिखेंगे x के नीचे तो x का गुणांक छोड़ देंगे। तो x का गुणांक छोड़ेंगे देखिए पर यहाँ पर y का गुणांक -1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और नीचे इसके 4 लिखेंगे और संख्या है 1 और यहाँ पर 10 है। इस तरह से इसको लिख देंगे। इसी तरह से जब y के नीचे लिखेंगे तो y का गुणांक छोड़ देंगे तो x का गुणांक देखिए 1 है और 3 है और यहाँ पर देखिए 1 है और 10 अचर राशि है। जब संख्या के नीचे 1 के नीचे लिखेंगे तो संख्या को छोड़ देंगे, x और y के गुणांक लिख लेंगे। तो देखिए x का गुणांक 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया -1 और यहाँ पर आ गया 4। अब आपको इसका गुणा ऐसे करना है और इसका गुणा ऐसे करना है और इसका गुणा ऐसे करना है। तो आप इसको लिखेंगे हो जाएगा x बटे, ये हो जाएगा
दस एक के दस, ये माइनस दस हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे और चार एक के चार हो जाएगा। इसी तरह से माइनस वाई, इसके नीचे देखिए दस एक के दस, ये दस हो गया और फिर माइनस तीन हो गया। इसी तरह से एक के नीचे तो हो जाएगा चार एक के चार और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तीन आ जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा ये एक्स, आप इसको सरल कर देंगे तो जब इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्स बराबर दो आ जाएगा और वाई बराबर एक आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में आपको दो सारणी बनाना होगा, एक समीकरण एक के लिए और एक समीकरण दो के लिए। तो समीकरण एक के लिए ऐसे सारणी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एक्स और एक में लिखेंगे वाई बराबर एक्स माइनस वन। तो अगर एक्स का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ पर वाई का मान माइनस वन आएगा, और अगर एक्स का मान एक रखेंगे तो वाई का मान जीरो आएगा। तो इस तरह से आपको दो निर्देशांक मिल जाएंगे, एक को जीरो माइनस वन लिख देंगे और दूसरे को लिख देंगे एक और जीरो। और इसी तरह से दूसरे समीकरण को जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको इस तरह से इसको भी हल करेंगे तो आपको दो निर्देशांक मिल जाएंगे, एक को छः माइनस दो और एक हो जाएगा दो और एक। इसके बाद इनको आप इस तरह से अब ग्राफ पर इसको प्लाट कर देंगे। तो इस तरह से हम एक पहले ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ इस तरह से हमने बना लिया। इसके बाद इस पर हम इसको प्लाट करेंगे। तो देखिए जब एक और जीरो को देखिए, एक और जीरो यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद दूसरा है कि जीरो और माइनस एक है, तो जीरो और माइनस एक देखिए यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसको इस तरह से खींच दिए, यह समीकरण हो गया एक्स माइनस वाई बराबर एक के लिए हो गया। और इसी तरह से दूसरा जब खींचेंगे तो तीन एक्स धन वाई, तीन एक्स धन चार वाई बराबर दस हो जाएगा, यह दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद दोनों देख रहे हैं जिस बिंदु पर मिल रहे हैं तो वहीं इसका मान हो जाए। देखिए यहाँ पर अब एक्स का मान आ जाएगा दो और वाई देख रहे हैं, वाई किस पर है, वाई एक पर है। तो इस तरह से वाई का मान आ जाएगा एक। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी